हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लाए हैं टाटा हैरियर 2021 BS6 डीजल ऑटोमेटिक। टॉप मॉडल है ये ड्यूअल जोन। इसका ओनरशिप एक्सपीरियंस लेके आए हम आपके साथ। बहुत सारे गाड़ियों के ओनरशिप एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। हमने सोचा पहले हम हमारी खुद की गाड़ी से शुरू करते हैं। तो ये हमने अभी तक 15,000 किलोमीटर चला ली है और तकरीबन हमने 8 महीने से हमारे पास ये गाड़ी है। इसके पहले हमारे पास XUV500 थी और उससे पहले निशान माइक्रा थी। तो आइए शुरू करते हैं मेरे साथ गाड़ी में। तो सबसे पहले बात करते हैं हमने कौन कौन सी गाड़ियों को कंसीडर किया था टाटा हैरियर लेने से पहले। पहले तो हमने MG हेक्टर को कंसीडर किया था, लेकिन उसकी राइड क्वालिटी और बिल्ड क्वालिटी हमें हैरियर जितनी पसंद नहीं आई। और वहाँ MG का हमारे सिटी में शोरूम भी नहीं है, तो सर्विस का इश्यू हो सकता था। और ओनर्स के रिव्यूज़ इतने अच्छे नहीं थे MG हेक्टर के, स्पेसिफिकली ऑन यूट्यूब। और ये कुछ रीज़न थे तीन। और उसमें डीजल ऑटोमेटिक भी नहीं आता था, जबकि हमको डीजल ऑटोमेटिक ही चाहिए था। फिर हमने कंसीडर किया था सेल्टोस को, और सेल्टोस का हमने देखा तो उसकी बिल्ड क्वालिटी हमें हैरियर जितनी नहीं लगी, और वो गाड़ी भी कॉम्पैक्ट है कंपेयर टू हैरियर। और वहाँ इस सेल्टोस का भी यहाँ पे शोरूम नहीं है अवेलेबल, और सेफ्टी में भी हमको थोड़ा इश्यूज लगा। सेल्टोस में हैरियर जैसी अच्छी बिल्ड क्वालिटी नहीं मिलती, इसलिए हमने सेल्टोस को रिजेक्ट कर दिया। और क्रेटा का पैकेज सेल्टोस से ज़्यादा अच्छा था, तो इनिशियली हमने क्रेटा बुक भी कर ली थी। हम कन्फ्यूज थे सेफ्टी और फीचर्स के उसमें, और हमने क्रेटा बुक कर ली और हमारी क्रेटा जस्ट आने ही वाली थी, और हमने क्रेटा को कैंसिल करके हमने फिर से टाटा हैरियर को बुक किया बिकॉज ऑफ इसकी बिल्ड क्वालिटी और इसकी साइज और इसके अंदर जो प्रीमियमनेस जो फील होती है। ऐसा लगता है कि हम कोई महंगी गाड़ी में अप मार्केट इससे अबाव सेगमेंट की गाड़ी में बैठे हैं, वैसा फील होता है। तो हमने फीचर्स पे कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए हमने फाइनली टाटा हैरियर का डिसीजन लिया। और इसका डीजल ऑटोमेटिक, इसका इंजन का पावर और ये सब कुछ हमें जो क्रेटा से जो ज़्यादा अच्छा मिल रहा था, हमने उस पर फोकस करते हुए क्रेटा को कैंसिल करवा के फाइनली हमने टाटा हैरियर ली। अगर माइलेज की बात करते हैं इस गाड़ी की, तो हमें हाईवेज पे 12-14 km तक का माइलेज मिला है। टैंक टू टैंक हमने 5 बार मेजर किया था जब हम 3400 किलोमीटर्स की लॉन्ग ट्रिप पे गए थे। और एक और बात मैं बताना चाहूँगा कि जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में जो आपको माइलेज शो करता है, फॉर एग्जाम्पल उसमें 13.5 दिखाता है, तो आप उसको 12 ही गिने, क्योंकि 1-1.5 का माइलेज कम होता है एक्चुअल में जो कंपेयर टू जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में बताया जाता है। और सिटी में अगर बात करूँ तो 9-10 के बीच का माइलेज मिला है, जो कि एक डीजल ऑटोमेटिक कार के लिए और ये साइज की कार के लिए बहुत अच्छा है। अब बात करते हैं इस गाड़ी के प्रोज की, यानी ये गाड़ी में क्या क्या बहुत अच्छा मिलता है जिस वजह से आपको ये गाड़ी लेनी चाहिए। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुझे ये गाड़ी में लगता है वो है इसके लुक्स। इस गाड़ी के लुक्स आप इस सेगमेंट में सबसे बेस्ट है। आप कोई भी और गाड़ी के साथ इसको कंपेयर कर ले, सब गाड़ियों के लुक्स अच्छे ही होते हैं, लेकिन इसका मुझे पर्सनली इसका लुक सबसे बेस्ट लगता है। आप इसको फ्रंट से देखेंगे, साइड से देखेंगे या रियर से देखेंगे, आपको सब एंगल से ये गाड़ी बहुत प्यारी लगने वाली है। इस गाड़ी की जो दूसरी जो सबसे खास बात ये है, इस गाड़ी का राइड और कंफर्ट। ये गाड़ी में बॉडी रोल आपको काफ़ी कम मिलता है, काफ़ी हद तक कंटेंट है। आप कोई भी SUVs देख लो, SUVs में बॉडी रोल होता है उसकी हाइट की वजह से, लेकिन ये गाड़ी में आप एक तो बहुत लो बैठते हैं कंपेयर टू अदर कार्स, आप ये गाड़ी में थोड़ा लो बैठते हैं। और ये गाड़ी में आप बैठने के बाद आपको काफ़ी अच्छी राइड मिलती है। हम 3400 किलोमीटर हमने इस गाड़ी को चलाया है, इसमें बैठे हैं हम, और बहुत ही कंफर्टेबल गए हैं और बहुत ही कंफर्टेबल आए हैं हम लोग। और ओवरऑल इसकी सीट्स आप देख सकते हैं, इसकी सीट्स का आप कंफर्ट देखिए, इसका कुशन देखिए। तीसरी सबसे अच्छी बात है इस गाड़ी का परफॉर्मेंस, 170 BHP ऑफ पावर, और ये गाड़ी को हमने 185 की स्पीड पर चलाया था, और इसका वीडियो भी हमारे चैनल पर आप देख सकते हैं। और 185 पर भी ये गाड़ी बहुत स्टेबल थी, बहुत अच्छी गाड़ी है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। अगर आप एक एंथुजियास्ट है तो आपको गाड़ी फास्ट चलाना अच्छा लगता है, तो आपको यही गाड़ी लेनी चाहिए।
ये गाड़ी की सबसे अच्छी चीज है, ये गाड़ी बहुत ही प्रीमियम फील होते है। इसके आप डोर हैंडल्स देख सकते हैं, इसमें यहाँ पर सब जगह लेदर यूज किया हुआ है, और स्टेयरिंग व्हील पर भी सॉफ्ट टच लेदर मटेरियल है, और डैशबोर्ड पे भी सॉफ्ट टच लेदर आता है, और यहाँ पे ये जो वुडन फिनिश और इसके नीचे ये जो क्रोम लाइन टाइप्स जो लुक आता है इसका एसी वेंट्स का और इसके गियर बॉक्स का, इसकी हैंड ब्रेक भी काफी प्रीमियम फील होती है, कन्वेंशनल हैंड ब्रेक जैसी नहीं है ये। अब बात करते हैं इस गाड़ी के नेगेटिव पॉइंट्स की, जो कि है इसका पैकेज। ये गाड़ी ओवरऑल पैकेज बहुत अच्छा है, बस इसमें गाड़ी में फीचर्स जो है वो कम पड़ते हैं। अगर इस गाड़ी में फीचर्स दे दिए होते जो इंडिया क्रेटा और सब में आते हैं तो ये गाड़ी एक काफी अच्छा वैल्यू फॉर मनी पैकेज बन जाता था। इस गाड़ी में पेट्रोल इंजन भी मिसिंग है, आई होप इस चीज पे टाटा जरूर काम करेगा। एक और जो इस गाड़ी का नेगेटिव पॉइंट है वो इस गाड़ी की हेडलाइट है। इस गाड़ी की हेडलाइट की विजिबिलिटी नाइट ड्राइविंग में बहुत कम थी, इसलिए हमें इसमें कंपल्सरी एलईडी लाइट्स डलवानी पड़ी, और इस गाड़ी में येलो लाइट्स आती है, एलईडी लाइट्स नहीं आती है, तो ये भी एक कमी है जो इस गाड़ी का, मुझे लगा इतनी महंगी गाड़ी में एलईडी लाइट्स तो मेरे हिसाब से होना ही चाहिए था। इस गाड़ी में बहुत सारे मिसिंग फीचर्स आते हैं जिसकी वजह से हमें ये गाड़ी लेने में बहुत सोचना पड़ा। इस गाड़ी में इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक नहीं आते, चारों व्हील में डिस्क ब्रेक तक नहीं आता, नेविगेशन सिस्टम भी ऑफलाइन नहीं चलता, आपको एंड्रॉइड ऑटो या एप्पल कारप्ले की सहायता लेनी पड़ेगी, और वो भी वायरलेस नहीं है, और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जैसी सुविधा भी नहीं है जो कि 8-1 लाख के बजट की गाड़ियों में भी आ जाता है। और इस गाड़ी में इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक नहीं है, कनेक्टेड कार्स नहीं है जो कि आजकल बहुत ही कॉमन हो चुका है, और ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको ये गाड़ी में मिसिंग फीचर्स की अगर लिस्ट बनाए तो 50 तो निकल ही जाएंगे। थोड़े थोड़े माइनर से प्रॉब्लम्स है, जैसे कि हम जब गाड़ी ड्राइव करते हो तो कभी कभार अचानक से इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और इंफोटेनमेंट सिस्टम बंद हो जाता है जो कि थोड़ा सा वियर्ड है, और यहाँ पर जो है ना ड्राइवर्स को पैर टच होता है जो थोड़ा सा एक ये प्रॉब्लम भी सुधारने की ज़रूरत है टाटा को, और स्टेयरिंग ये गाड़ी का थोड़ा हैवी है। अगर ये गाड़ी में, क्योंकि ये स्टेयरिंग हाइड्रोलिक है तो अगर ये गाड़ी में इलेक्ट्रिक स्टेयरिंग होता तो ज़्यादा अच्छा होता, ये पार्किंग स्पीड पर प्रॉब्लम होता है, वरना जब जैसे आप 25 के ऊपर जाते हो तो आप ये स्टेयरिंग की हैवीनेस आपको है वो आपको बहुत इजी लगेगी, आपको स्टेयरिंग हैवी नहीं लगेगा। अब आते हैं हमारे फाइनल क्वेश्चंस के ऊपर, शुड यू बाय, क्या आपको ये गाड़ी लेनी चाहिए? यस, डेफिनेटली आपको ये गाड़ी लेनी चाहिए। ये गाड़ी आपको लेनी चाहिए इसकी सेफ्टी के हिसाब से, इसकी बिल्ड क्वालिटी की वजह से, और इसकी राइड और हैंडलिंग की वजह से, और ये गाड़ी आपको इस मामले में बिल्कुल निराश नहीं करेगी, और एज ए ओनर मैं आपको ये गाड़ी रेकमेंड करता हूँ, और ये गाड़ी को मैं 8/10 स्कोर देता हूँ।